हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपके पास एक एंड्रॉयड टीवी है तो आप उस एंड्रॉयड टीवी में अपने सेटअप बॉक्स को किस प्रकार कनेक्ट कर सकते हो और किस प्रकार चला सकते हो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप 2024 में अपनी LED स्मार्ट टीवी या फिर आपकी नॉन स्मार्ट टीवी हो, कोई सा भी आपका टीवी हो, आपका सिर्फ एंड्रॉयड जो कि टीवी होना चाहिए, ठीक है, LED टीवी होना चाहिए। तो बहुत सारी टीवी होती है LED टीवी, LED स्मार्ट टीवी, और होती है बिना स्मार्ट टीवी, ठीक है, LED टीवी ओनली, ठीक है। तो आज हम आपको अपना सेटअप बॉक्स, जैसे कि आपके घर पे लगा होगा DD फ्रिज और MPG 2 सेटअप बॉक्स और MPG 4 सेटअप बॉक्स, तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि आप उसमें किस प्रकार अपने टीवी में कनेक्ट कर सकते हो और किस प्रकार चला सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा इस वीडियो में 2024 में, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले रिमोट से मेनू प्रेस कीजिए, तो आप सबसे पहले अपने टीवी को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले टीवी को ऑन कर लिया और अपने सेटअप बॉक्स को भी ऑन कर लेना है। तो दोस्तों, हमने दोनों टीवी को जो कि सेटअप बॉक्स को और LED टीवी को स्मार्ट को ऑन कर लिया। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सेटअप बॉक्स है वो ऑन हो चुका, जो कि यहाँ पे नंबर देख सकते 351 नंबर लगा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, तो एक मेरे सेटअप बॉक्स में, एक मेरा दो सेटअप बॉक्स है, ये मेरा USB वाला HDMI वाला सेटअप बॉक्स है। तो आपको जो कि अपनी LED टीवी में दो पोर्ट दिए गए हैं, एक आपको ARC केबल का नाम से, जैसे कि यहाँ पे एक वाला ऑप्शन होगा लीड वाला, ठीक है, तो ऑडियो वीडियो लीड लगा के आप कनेक्ट कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन होगा आपका HDMI का, ठीक है। हमारे में दो ऑप्शन है, तो दोनों ही ऑप्शन से आप टीवी को, LED टीवी को अपने सेटअप बॉक्स से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन HDMI से कनेक्ट करके मैं बताऊंगा। तो हमने HDMI केबल पीछे कनेक्ट कर दिया और दूसरे में हमने कर दिया अपने सेटअप बॉक्स में, तो सेटअप बॉक्स में कनेक्ट करिए। तो दोस्तों देख सकते हो, अभी हम अब आपको करना क्या, तो अपने रिमोट से जो कि टीवी का रिमोट है, तो दोस्तों देखिए, ये रहा हमारा टीवी का रिमोट। तो इसमें आपको एक बटन दिखाई देगा सिक्योर का, तो सिक्योर का अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप यहाँ पे जाइए, एक ऑप्शन मिल रहा है आपको सिक्योर का, तो दोस्तों देखिए ये रहा ऑप्शन सिक्योर का, तो आप उस पर चले जाइए। अगर आपको नहीं मिल रहा तो जैसे हम सिक्योर का बटन दबाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। तो दोस्तों देखिए, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा, लेकिन अगर आपके सेटअप बॉक्स में कुछ इस प्रकार से नहीं आ रहा तो करना क्या, तो अब आपको जो ऊपर बटन है, तो आपको इस सिक्योर बटन के ऑप्शन पे इनपुट बटन होगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना और रिमोट से ओके प्रेस कर देना। तो दोस्तों फिर से हम ओके करते हैं, तो जैसे हम क्लिक किया HDMI सर्चिंग सिग्नल, तो इसमें बता रहा कि प्लीज मेक योर सोर योर डिवाइस ऑन, तो इसमें बता रहा कि आपकी केवल जो HDMI केवल नॉट कनेक्टेड बता रहा, तो इसको ऑन कीजिए। तो अभी हम देखते हैं, तो दोस्तों देखिए, अभी हमारी सेटअप बॉक्स ए रहा और केवल हमारी नहीं लगी, तो इस कारण से कुछ हमको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अभी हम अपनी केवल को लगा लेते हैं, तो दोस्तों देखिए ये रही हमारी केवल, तो अभी हम इसको लगाते हैं। ये हमारी HDMI केबल है, तो अगर आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, HDMI पोर्ट है, तो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं और अपने सेटअप बॉक्स में पीछे लगा लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसको लगाया, कनेक्ट किया, तो दोस्तों देखिए हमारा जो सिग्नल है कुछ इस प्रकार से टीवी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से कुछ आ चुका है। तो अब आपको सिग्नल को चेक कर लेना, तो सबसे पहले सिग्नल एंटीना सेटिंग पे आपको प्रेस करना और यहाँ पे DD फ्रिज, तो देख सकते हो दोस्तों कि अभी हमारा DD फ्रिज का सिग्नल सेट नहीं है, इस कारण से सिग्नल नहीं आ रहा। तो आपको सबसे पहले अपने डिश को सेट कर लेना, ठीक है, जैसे आप सेट कर लोगे तो आपका DD फ्रिज सेट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमारा DD फ्रिज कुछ सेट नहीं, कुछ कारण से या फिर छतरी हल गया होगा, तो इस कारण से हमारा सेटअप बॉक्स नहीं है सेट। तो दोस्तों अब आपको करना क्या, तो हमारा टीवी इसमें चालू हो चुका है,
तो ये हमारा डीडी फ्रिज का जो कि रिमोट है MPG 4 सेट टॉप बॉक्स का, तो आप इसमें यूट्यूब सब कुछ चला सकते हो, HD पोर्ट वाले TV चैनल जो भी आपको चलाना हो, फाइल मैनेजर से चला सकते हो दोस्तों, फाइल में गए और यहाँ पे USB लगा के आप US में जो भी देखना तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कोई ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो वॉचिंग, बाय।